हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आया हूँ फिश एडिक्स में, जो हड़पसर में है, और यहाँ पे भी बहुत सा न्यू फिश स्टॉक है, तो वो सब आज मैं आपको दिखाऊंगा फिश प्राइजेस के साथ, और कुछ एसेसरीज भी दिखाऊंगा, और इनका गोडाउन में भी आपको लेके जाऊंगा जहाँ पे और भी ड्रिप फूड्स और रॉक्स और टैंक्स है। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, फिश स्टॉक देखने से पहले यहाँ के ओनर से हम बात करते हैं। हाय सौरभ। हाय। तो सौरभ, हम आज क्या देखने को मिलेगा फिश स्टॉक आज में? हम लाइव स्टॉक देखेंगे, टेट्रा वैरायटी, सिक्लेड्स, एक्वाटिक गोल्ड फिश, फिर प्लांट्स के बहुत सारे वैरायटीज आए, स्टेम प्लांट्स आए, एपिफाइट्स में प्लांट्स आए हुए हैं। ओके ओके। मेरे पास नए टाइप्स के रॉक आए हैं, वुड आए हैं, जो अच्छा। पहले आपने कभी देखे नहीं होंगे। ओके ओके। कुछ अलग टाइप के प्रोडक्ट्स मंगाए, वारंटी वाले कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स मंगाए, तो वो भी कवर करेंगे। ओके okay, और एक एक्वास्केप का आपने टैंक right, सेटअप भी किया है, या भी कवर करेंगे। तो चलिए पहले फिर हम फिश स्टॉक देखते हैं। राइट। इसमें टाइगर बाब वेल टेल्स है, राइट? या विल्टेल्स है, फ्लोरोसेंट ग्रीन है, डार्क ग्रीन है। या और ये अराउंड रहेंगे 1.5 से 2 इंचेस के, और फ्लोरोसेंट सब जगह आपको देखने नहीं मिलेंगे, राइट? राइट। फ्लोरोसेंट अभी थोड़ा ही स्टॉक आता है, रेगुलरली नहीं मिलता है। ओके। डार्क ग्रीन में भी आया है, बट थोड़ा सा साइज छोटा है। विल्टेल में एल्बिनो है और रेगुलर है। ओके ओके। और इनका कैसा है प्राइस रेंज? दीज आर 100 रुपीज पेयर एंड 150 रुपीज पेयर। तो ये एक और एक टैंक है यहाँ पे, जिसमें कैलिको स्वॉट टेल है, राइट? कैलिको स्वॉट टेल है, ब्लड रेड टैंजरीन्स है। ओके। यूनिक वैरायटी है कैलिको भी, अभी ये अच्छा क्वालिटी आया है, जो रेगुलर आता है ये सैंटा क्लॉज में कैलिको आया है, तो रेगुलर आपने रेड में देखा होगा। हाँ। दिस आर सैंटा क्लॉज कैलिको स्वॉट टेल्स। ओके ओके। और ये सब अराउंड 2 to 2.5 इंच। राइट, 2 to 2.5 इंच। और इनका कैसा है प्राइस रेंज? दिस आर 100 रुपीज पेयर एंड 120 रुपीज पेयर। इसमें प्लैटिनम पोलर पैरेट्स है एंड ग्रे पोलर पैरेट्स है। तो ये प्लैटिनम जो है दोज आर अराउंड 1 इंच एंड ग्रे पोलर्स आर अराउंड 1/2 इंच इन साइज। और ये भी दूसरे फिशेस के साथ रख सकते हैं? ये सेमी एग्रेसिव है, तो आप इनको मीडियम साइज से बिग साइज फिश के साथ रख सकते हो, नॉन एग्रेसिव में भी, लाइक एंजल्स के साथ, विडोज के साथ, रैम्स के साथ, स्वॉटेल्स के साथ आप इनको रख सकते हो। ओके। एंड देन अफ्रीकन सिक्लिड्स और साउथ अमेरिकन सिक्लिड्स के साथ भी रख सकते हो। ओके। और इनका कैसा है प्राइस? दीज आर 100 and 150 पेयर, 100 रुपीज पेयर एंड 150 रुपीज पेयर। अच्छा, 100 वाले कौन से? ग्रे वाले। ओके। प्लैटिनम्स आर 150। ओके ओके। और यहाँ पे बोलिवियन रैम्स है और इलेक्ट्रिक ब्लू रैम्स है और एक एंजल भी है, वो कौन सा एंजल है? दैट इज योर ब्लू डायमंड हाइफिन एंजल। ओके ओके। उसको थोड़ा बुलडॉग टाइप शेप है, या पंच फेस। ओके ओके। और ये प्लेकोस के ये भी मिल जाएंगे ऐसे केव्स? हाँ, केव्स अवेलेबल है, डिस्कस के ब्रीडिंग कोन्स अवेलेबल है। ओके ओके। अभी उसमें आप एक मेल देख रहे होंगे, एडल्ट साइज का, मेल एंड फीमेल पेयर है वहाँ पे। और ये जो बोलिवियन रैम्स है, इनका कैसा है प्राइस रेंज? बोलिवियंस आर 300 अ पेयर। ओके। इलेक्ट्रिक ब्लू रैम्स है वो 150 पेयर। ओके, 150 पेयर है। ओके। इलेक्ट्रिक ब्लू का भी आप देखोगे तो एकदम अच्छा शाइन है, साइज छोटा है, जैसे साइज बढ़ेगा एकदम पूरा इलेक्ट्रिक ब्लू शाइन लेगा। साइज अभी बोल सकते हैं 1.75 इंच, 1 इंच, लेस देन 1 इंच। और बोलिवियन रैम्स आप बोल सकते हो 1.5 इंच के साइज में, 1.5 इंच के। दे हैव स्टार्टेड टेकिंग द कलर्स, थोड़ा और 1-1.5 महीने पूरा वाइब्रेंट होगा। और यहाँ पे सैंटा क्लॉज सोटेल है, सैंटा क्लॉज सोटेल है जो 2 इंचेस के है, राइट, 2 to 2.5। इसमें मेल फीमेल है ना? मेल फीमेल है। ओके। तो ये अराउंड क्या प्राइस रेंज है इनका? दे 100 रुपीज पेयर। ओके, 100 रुपीज। और यहाँ पे ये टेट्रा वैरायटी, राइट? राइट। इसमें ब्लीडिंग हार्ट टेट्रा है, व्हाइट टिप टेट्रा है। ओके। और कोलंबियन टेट्रा है।
ओके ओके व्हाइट टिप आपको अभी इसमें ज्यादा वाइब्रेंट दिखेगा. हाँ व्हाइट टिप्स आर 100 अ पेयर, कोलंबियंस आर 80 रुपीस पेयर. ओके एंड ब्लीडिंग हार्ट आर 500 अ पेयर. ओके ओके वो ब्लीडिंग हार्ट रेड डॉट जैसा डॉट वाला. हां ब्लीडिंग हार्ट अभी कलर नहीं दिखा रहा बट प्लांटेड में बहुत वाइब्रेंट कलर दिखाता है. ओके ओके तो इस टैंक में सिल्वर डॉलर्स है जो अराउंड 2 इंचेस के और एक फायर रेड ईल है राइट. या फायर रेड ईल है उसमें और एक देलेजी बाइशर है छोटा साइज में. या और ये कुछ रहेगा कुछ 2.5-3 इंच का. हाँ 3-3.5 इंच का है छोटा साइज है. या इसमें एक बड़ा साइज भी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. और इसका क्या प्राइस रेंज है देलेजी? ये वाला 600 का पीस है. ओके और फायर रेड ईल इज 800 का पीस. ओके और उसका भी साइज आप बोल सकते 6 इंचेस रहेगा. और ये डॉलर्स 100 अ पेयर. ओके 100 अ पेयर. ओके तो इस टैंक में ब्लू एम्परर टेट्रा है और दूसरे कौन से फिश है इसमें? ब्लू एम्परर टेट्रा है, लॉन्ग बॉडी थ्रेड फिन रेनबोज है. okay. और एडल्ट साइज अमानो श्रिम्स है. अमानो श्रिम्स है जो यहाँ पे है ये देखिए. इससे पीछे के तरफ पूरे जंबो साइज है. ओके okay, ओके okay. कुछ ब्रेस्ट एल्बिनो ब्रेस्टलनोस प्लेकोस है. या तो ये ब्लू एम्परर टेट्रा का क्या प्राइस है? वो 80 रुपीस पेयर है और थ्रेड फिन रेनबो 220 का पेयर है. ओके ओके और अमानो श्रिम्स? अमानो एडल्ट साइज है 300 का पेयर और मीडियम साइज है 250 का पेयर. ये देखिए ये और बैक साइड में भी ये पॉट के यहाँ पे वहाँ पे बहुत सारे बैठे हुए हैं वहाँ पे सब जंबो साइज है. ओके ओके और इस टैंक में भी है अमानो श्रिम्स? ये देखिए भी अमानोज है और रेड चेरी श्रिम्स है. या और अभी श्रिम्स का स्टॉक थोड़ा कम है. हाँ. थोड़े दिनों में आएगा, 1-2-3 दिन में श्रिम्प का स्टॉक आएगा. और रेड चेरी श्रिम्प्स का ऐसे क्या रेंज होता है? 140 का पेयर है. ओके ओके और ये सैंड भी मिल जाएगी ना आपके? हाँ ये एक्वाक्ले बॉल्स है. ओके. ये भी अवेलेबल है 200 केजी से आता है. ओके ओके इस टैंक में ऑटो सिंगलर्स है और बैडीज है राइट? राइट और ऑटो सिंगलर्स अराउंड रहेंगे 1.5 इंच के 1-1.5 इंच के और इनका कैसा है प्राइस रेंज? ऑटो सिंगलर 380 का पेयर है. 380 का पेयर. हाँ, और बाडीज 100 का पेयर है. ओके और एक मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे नीचे पूरा प्लांट्स का सेक्शन है. तो ये सब कौन से प्लांट्स है? ये सब एनुबियस के वैरायटीज है. अच्छा तो इसमें एनुबियस नाना है. ओके फिर ये एनुबियस नाना में एक अलग वेरिगेटेड लीव वाला आया है. ओके ये एनुबियस मिनिमा है. हाँ फिर एनुबियस बार्टेरी ब्रॉड लीफ है. ओके और ये एनुबियस ये बार्टेरी ब्रॉड लीफ है. फिर वहाँ पे ग्रासिलिस है. ओके तो ये सब लो टेक प्लांट्स है. लो टेक प्लांट्स है. तो ये पूरा यहाँ पे भी लो टेक के प्लांट्स है. पॉट वाइज क्या रेंज रहता है इनका? ये 150 का पॉट है. ओके ओके पर पीस. इसमें एक ग्रास भी है राइट? हाँ अलग अलग टाइप्स है और एक टैंक है उसमें भी है. ओके ये सब स्टेम प्लांट्स है. हाँ. लो टेक वाले इसको नॉन CO2 में भी आप रख सकते हो. बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगा सॉइल गुड लाइट. फिर यहाँ पे फर्न्स है. फर्न्स ये आप वुड या रॉक पे लगा सकते हो. ये शॉर्ट ग्रो होते हैं. okay. ये स्टैगॉन फर्न है. स्टैगॉन फर्न में एक और एक गोल्डन वैरायटी आया है और डार्क ग्रीन रेगुलर जो आता है वो है. फिर ये बॉल बाइटर्स है, मिनी बॉल बाइटर्स. या और कुछ एनुबियस भी है यहाँ पे. या और ये इनका मैं आपको एक साइज बता देता हूँ. ये अराउंड रहेंगे 5-6 इंचेस के हाइट में. और पीछे वो बड़ा प्लांट है वो कौन सा है? वो एनुबियस ग्रासिलिस है. इसके ब्रॉड लीव्स होते हैं लिली okay, जैसे okay, okay. और हाइट में भी अच्छा बढ़ता है वो. ओके okay. तो इस टैंक में ये कौन से एंजल्स है? दिस आर रेड कोई एंजल्स. ओके ये अराउंड रहेंगे 2.5 इंचेस के राइट. और इनका कैसा है प्राइस रेंज? दिस आर 300 पेयर. 300 पेयर. ओके तो इस टैंक में कार्डिनल टेट्रास है और ये पगोडा स्नेल है राइट? या पगोडा स्नेल है. ओके और वहाँ पे भी एक है पीछे स्पॉन्ज फिल्टर के. तो ये थोड़ा सा इनका टेक्सचर कैसा रहता है? बॉडी पे इनके अच्छा पैटर्न होता है. अभी इतना दिखाई नहीं दे रहा है. या मैं आपको इसका एक अच्छा फोटो शेयर कर दूंगा. आप वो वीडियो के साथ शेयर कर सकते हो. या तो साइड में हम लोग दिखाएंगे आपको फोटो इसका. और कार्डिनल टेट्रा का क्या प्राइस है? कार्डिनल टेट्रास 130 का पेयर है और 600 डजन जाएगा. ओके ओके तो डजन में भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे फिशेस. और ये पगोडा स्नेल का क्या प्राइस है? दैट इज 250 पेयर. 250 पेयर. ओके तो इस टैंक में नियॉन टेट्रास है और स्टर्बी कोरिडोरास है right. जो अराउंड रहेंगे कोरिडोरास 1-1.25 इंच के है. या और ये नियॉन टेट्रा 1 इंचेस के 1 इंचेस के.
तो इनका कैसा है प्राइस रेंज? नियॉन 60 का पेयर है और डजन में 300 का जाता है और स्टार बाइक ओरीज 260 का पेयर है। ओके ओके। और ये एक टैंक है जिसमें भी स्पॉटेड स्नेल है, राइट? स्पॉटेड नेराइट स्नेल है, ये एल्गी ईटिंग में अच्छे काम आते हैं। और इनका कैसा प्राइस रेंज? दिस आल्सो 160 अ पेयर। 160 पेयर। और फिर यहाँ पे एल्बिनो क्रिस्टेला टेट्रा है और एम्बर टेट्रा है। ओके। एम्बर टेट्रा 120 का पेयर है और एल्बिनो क्रिस्टेला 80 का पेयर है। 80 का पैर। और ये अराउंड सब 1 inches के है। यानी एम्बर डेट्रा छोटा वैरायटी है। हाँ। वो 0.5-0.75 inch के है। या। तो फ्रेंड्स ये L सीरीज का प्लेको है। कौन सा ये प्लेको? ये L333 प्लेको है। ओके। इसे कॉमन नेम किंग टाइगर प्लेको भी बोलते हैं। ओके। जेब्रा प्लेको जैसा है। और ये क्या साइज तक जाएगा ये? ये मैक्सिमम आपका 3-4 inch ग्रो होता है। ओके। हाँ। ये एग्जॉटिक स्ट्रेन है। अच्छा, दिखने में अच्छा दिखता है। या, और अभी ये साइज रहेगा 1 inch से थोड़ा बड़ा, 1.5 inch है, 1.25-1.5 inch का है। और इसका कैसा है प्राइस में? ये 2600 का पीस है। ओके, 26 का सिंगल। या, डॉर्फ वैरायटी के रेनबोज है, दीज आर कॉल्ड पास्काई रेनबोज। ओके ओके। प्लांटेड में बहुत लोग इसे पसंद करते हैं, छोटा रहता है, वाइब्रेंट कलर्स है। या, और ये एक दूसरे को देख के मेल्स जो है उनका डांस करते है, बॉडी का कलर शो ऑफ करते है, फिनिश वगैरह। ओके। और ये अराउंड रहेंगे 1 inch से थोड़े बड़े, राइट? तो आपको ये प्रॉपर इनका कलरेशन दिखाने के लिए जस्ट इन्होंने ये किया हुआ है अभी, नहीं तो टैंक में आपको दिखेगा नहीं ये, राइट? बहुत अच्छा वैरायटी है ये, प्लांटेड में जाके और सुंदर दिखेगा। ये देखिए इनका बॉडी टेक्सचर और कलरेशन, लैम्प आई जैसा, इनके आईज ब्लू रहते हैं। या, ब्लू है। या, और इनका कैसा है प्राइस रेंज? दीज आर 250 अ पेयर। ओके, 250 पेयर। ओके ओके। और ये जैसे टैंक में जाएंगे तो सेट होने के बाद और ये कलरेशन वाइब्रेंट कलर दिखाएंगे। तो इस टैंक में डेमोसोनी सिकलेट्स है और इलेक्ट्रिक ब्लू जैक डेम्सी भी है। तो फिलहाल एक पैर बचा है यहाँ पे, दो पैर है। या, और ये इलेक्ट्रिक ब्लू जैक डेम्सी अराउंड 2 inches का है और डेमोसोनी सिकलेट्स भी 2 inches का ही है साइज में, ये देखिए। और एक आपको जैक डिम्सी दिखेगा बैक साइड में, ये फिल्टर स्पॉन्ज फिल्टर के यहाँ पे ही है, ये देखिए। तो ये जो डेमोसोनी सिकलेट्स है इनका कैसा है प्राइस रेंज? वो 300 के पेयर है डेमोसोनी। ओके। और इलेक्ट्रिक ब्लू जैक डिम्सी है 1200 का पेयर है। 1200। हाँ। ओके। स्ट्रॉबेरी पीकॉक्स है, रेड आई एल्बिनोज है, ये प्रॉपरली कलर्ड अप है, ये 300 का पेयर है। ओके। और ये सब साइज आप बोल सकते हैं 2.5-3 inch के बीच, 3 inch का साइज है। या, इसमें र्यूकिन्स है, रेड एंड व्हाइट एंड ऑरेंज र्यूकिन्स है, और कुछ रैंचो भी है। रैंचो है, ये देखिए, रैंचो अराउंड 3 inches के रहेंगे, 2.5-2.5 inches के। 2 inches के रैंचो है, देन र्यूकिन्स है, वो 3 inch के है। हाँ। और रैंचो का क्या प्राइस है? रैंचो 180 का पेयर है। ओके। और रेड एंड व्हाइट र्यूकिन्स है 400 का पेयर है। ओके, 400 का पेयर है। ओके। तो यहाँ पे भी एक टैंक है जिसमें रूई किंग्स है और एक टैंक है यहाँ पे, इस पे भी रूई किंग्स है, राइट? हाँ, रूई किंग्स और रांचो है। या, इसमें आपको ऑरेंज रांचो ज्यादा दिखेंगे, रेड एंड व्हाइट भी है। हाँ। तो इस टैंक में एलिफेंट नोज है? या, एलिफेंट नोज फिश है ये। ओके। तो ये एडल्ट साइज का है, 8-9 inches का साइज है। हाँ। यूनिक फिश है, इसका आप नोज देख सकते हो। हाँ। वो उनका सेंसरी ऑर्गन है। या, ये इनका आई साइट बहुत वीक होता है, तो ये पानी में छोटे छोटे माइन्यूट इलेक्ट्रिक करंट्स छोड़ते हैं, बैट फिश जैसा, फिर वो जो करंट्स रिफ्लेक्ट होते उससे वो साइड के एनवायरनमेंट का अंदाज लगाते। ये सेमी एग्रेसिव है, ये आप एग्रेसिव बोल सकते हो। ओके। इनका आप सिंगल एक पीस रखोगे तो अच्छा है, ये ओन वैरायटी में ज्यादा झगड़ा करते हैं, दूसरे फिश को इतना परेशान नहीं करेंगे। ओके ओके। तो इनका कैसा है प्राइस? ये 1800 का पीस है। ओके, 1800 का है सिंगल। हाँ। और इस टैंक में बैंडेड लेपरोनीज है जो अराउंड रहेंगे 2.5-3 inch के, और इनका कैसा है प्राइस रेंज? ये 1000 rupees पेयर है। ओके, 1000 rupees पेयर है। और ये भी साइज बहुत बड़ा हो जाएगा ना? ये अच्छा साइज बढ़ता है, 8 inch तक तो आराम से ग्रो होते हैं, बल्की बॉडी होता है, फास्ट मूविंग फिश है। फास्ट मूविंग है, इनको मोस्टली लोग मॉन्स्टर फिश के साथ रख सकते हैं ना, एरवानास के साथ, सिकलेट्स के साथ रखते हैं। ओके ओके। तो ये कौन सा बिचिर है? ये हैंडली गेरी बिचिर है, ये बड़ा साइज का है, अराउंड 5-6 inches का है। या, और इनका कैसा प्राइस? ये 800 का पीस है। ओके, 800 का है सिंगल। ओके। तो फ्रेंड्स ये इनका डिस्प्ले टैंक है, ये अराउंड कितना, 3 feet के ऊपर, 4 feet का टैंक है ये।
और इसमें जैपनीज कोइज है, राइट? जापानीज कोइज है, सिल्वर डॉलर्स है, सिल्वर शार्क है, या और ये सब अराउंड 4-5 inches से बड़े साइज है, right. और जैपनीज कोइज है ये 4-5 inches के, और एक बड़ा कोई है यहाँ पे, और सिल्वर शार्क भी 4 inches के है. तो डॉलर जो है वो 3-3.5 inch के बीच में है. और कोइज का क्या रेंज है जापानीज कोइज का? ये 400 का पेयर है. ओके. और सिल्वर शार्क भी 400 का पेयर है. ओके ओके. जो डॉलर्स है 2160 है पेयर. डॉलर्स ये देखिए वो 160 पेयर है. हाँ. और ये कौन से कोइज है? ये रेड एंड व्हाइट कोई है. ओके. 3 inch के साइज में. हाँ. 120 है पेयर. 120 है पेयर. ओके. और नीचे भी कुछ बड़े साइज के जैपनीज कोइज है, राइट? बड़ा साइज है. और ये अराउंड 80 inches के रहेंगे. और इसमें भी अभी कुछ दो पेयर है ये देखिए. और ये कौन से कैटफिश है? ये सन कैटफिश है. सन कैटफिश है जो अराउंड रहेंगे 4-5 inches, राइट? राइट. ये देखिए इनका कलर. तो ये इंडियन ब्रीड है, राइट? इंडियन ब्रीड है. और इनका कैसे प्राइस रेंज? ये 600 का पेयर है. ओके. 600 का पेयर है. और ये जो जापानीज कोई थे बड़े, जापानीज कोई 1200 का पेयर है. और इसमें एक ब्लैक कलर के भी कोई थे, राइट? राइट. वो जेड ब्लैक कोई है. अच्छा. क्वाइट रेयर वैरायटी, हमेशा मिलता नहीं है. हाँ. वो 1500 का पेयर है. ओके. और वो साइज भी कुछ 5-6 inches है. 6-7 inches का साइज है. या. तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ डिस्कस है. और कौन से स्ट्रेन है ये डिस्कस के? इसमें ब्लू कार्नेशन है और एक वाइल्ड क्रॉस है. ओके. ये बड़ा साइज के डिस्कस है सब. इसमें आपको 4.5 inches का साइज है. प्रॉपरली कलर्ड अप, पूरा राउंड और हाइफिन शेप है. हाइफिन हाई बॉडी है. दिस आर 4200 अ पेयर. ओके. तो ये गोल्डन पर्ल अरवाना है यहाँ पे. आप ये देखिए. तो इसका कैसा है प्राइस रेंज? ये 6500 का है. ओके. बड़ा साइज है, थिक बॉडी. या 6 inches का साइज है थिक बॉडी में. हाँ. तो ऐसे गोल्डन पर्ल अरवानास के मतलब बड़े साइज में भी आ जाते हैं कभी? बड़े साइज भी आएंगे, छोटा 4 inch का साइज भी मिल जाता है. ओके ओके. और कोई आपको एक्सोटिक स्ट्रेन्स भी चाहिए एशियन अरवानास में? हाँ. तो वो भी हम ऑर्डर बेसिस पे देते हैं. तो ये अराउंड 6-8 inches, राइट? या. तो ये एक टैंक है फ्रेंड्स जिसमें सब डिस्कस है. तो इसमें सब मिक्स ट्रेन है, राइट? राइट. इसमें सब एसोर्टेड वैरायटीज है. ये भी हाई फिन हाई बॉडी डिस्कस है. अगर आप उनका फिनिश देखो दे, प्रॉपरली राउंड एंड इरेक्ट फिन्स है. और दीज आर ऑल नेचुरल कलर्ड. इसमें ये हार्मोन फीड करके कलर नहीं किया गया है. अच्छा. ये बड़े साइजेस है सब, 3-3.5 inch वैसे साइज है. और इनको ऐसा कोई दूसरे फिशेस के साथ रख सकते हैं, एंजल या किसी के साथ? हाँ, आप इनके साथ बहुत सारे मीडियम साइज फिश, टेट्रा मीडियम साइज के, नॉन एग्रेसिव कम्युनिटी फिश आप रख सकते हो. ओके ओके. और इसमें आप देखोगे तो अभी वैरायटीज भी बहुत सारे. ब्लू डायमंड है. ब्लू डायमंड का एक क्रॉस वैरायटी है. हाँ. ये रेड टर्कवाइज है, वहाँ पे आगे ब्लू टर्कवाइज है. फिर ये रेड अलंकार बहुत दिनों बाद आया है. हाँ. येल्लो सॉलिड्स है, प्रॉपरली येलो कलर्ड है. देन ये रेड राफलेस ही आपको दिखेगा, पूरा पैटर्न और हाई बॉडी है. फिर एक पीछे आपको रेड कवर दिखेगा. रेड कवर थोड़ा बड़ा साइज है, 4 inch का है. दिस आर ऑल वेरी नाइस क्वालिटी. तो इनका कैसा है स्टार्टिंग रेंज? ये हम 3000 पेयर से सेल कर रहे हैं. बट इफ एनीवन बाइज 3 पेयर्स और अबव तो हम उनको फ्लैट 2800 पेयर से देते हैं. अच्छा, मतलब 2000 पेयर से. 2800 पर पेयर. ओके. बाय 3 पेयर्स और मोर. ओके ओके. इसमें ये गोल्डन लेपर्ड भी है, ये छुपा हुआ है यहाँ पे, वो भी एक अच्छा वैरायटी है गोल्डन लेपर्ड का. ये हाँ, यहाँ पे. तो दिस आर आल्सो वेरी नाइस. तो फ्रेंड्स ये एक और एक टैंक है. ये 3 feet का टैंक है, राइट? ये 3 feet का है. सब सिक्लिड्स है इसमें. या अफ्रीकन सिक्लिड्स है, पैरट्स है, फिशरवुड कैटफिश है, और इलेक्ट्रिक ब्लू सिक्लेट्स है. और फिशरवुड कैटफिश जो आप देख रहे हैं वो अराउंड रहेंगे 4 inches से सब है, थोड़े बड़े भी है इसमें. और पैरट फिशेस है 2-2.5 inches. और ये कौन सा सिकलेट है? वो 5-star सिकलेट है, ज्वेल फैमिली में आता है. ओके ओके. ये जब मैच्योर होगा तो फुल बॉडी फायर रेड कलर का होता है. ओके ओके. और ये जो सिकलेट्स का कैसा है प्राइस रेंज वैसे? सिकलेट्स ये 350-400 के पेयर्स है. ओके ओके. इसमें भी अच्छे अच्छे वैरायटीज है, अभी सेटल नहीं हुआ है स्टॉक. तो कलर इतने शो नहीं कर रहे. या तो भी ये सब साइज आप बोल सकते हैं 3-3.5 inch का साइज है. इसमें अभी ये देखिए, ये अल्फा मेल है, इसने पूरा कलर लिया इलेक्ट्रिक ब्लू. या और ये रेड फिन है पे यहाँ पे. या ये हैप्लोक्रोमिस जेब्रा है, ये पूरा रेड होता है बड़ा होने के बाद बेली उसका. ओके. ये एक हैप्लोक्रोमिस जेब्रा है यहाँ पे.
अच्छा कलर लेता है। या फिर ये ताइवान रीफ है, मलावी आई बाइटर है, ये लॉन्ग जो माउथ है उसका, मलावी आई बाइटर भी प्रॉपर मेटालिक कलर लेता है। ओके ओके। पैरेट फिशेस? पैरेट्स आर 800 पेयर। ओके। और फिशरवुड कैटफिश? फिशरवुड 500 का पेयर। ओके। और वो फाइव स्टार वाला? फाइव स्टार का जो है 500 का पीस है, एक ही पीस बचा हुआ है उसका। ओके ओके ओके। और यहाँ पे सब स्मॉल साइज सिकलेट्स है, इसमें फायर माउथ है राइट, फायर माउथ है, रेड ज्वेल है, इलेक्ट्रिक ब्लू अकारा है, फिर कुछ अफ्रीकन मलावी सिकलेट्स है, और एक रॉटकिल सेवरम भी है, जो अराउंड रहेगा कुछ 3 inches का, 3.5 inches का। और ये जो सिकलेट्स है जो नॉर्मल साइज है कुछ 2.5 inch से 3 inch का साइज है, साइज है या ऑला एसोर्टेड अफ्रीकन पीकॉक्स मलावी फिर मॉर्फ वैरायटी सब है इसमें, मिक्स है सब। ऑल दीज आर 200 अ पेयर। ओके 200 अ पेयर। और ज्वेल भी? ज्वेल 250 का पेयर है। ओके। ज्वेल कम्स इन साउथ अमेरिकन सिकलेट्स। या और फायर माउथ? फायर माउथ भी, फायर माउथ 200 का पेयर है। 200 का पेयर है। ओके। तो ये पूरा इसमें एंजल्स है, बोस्मानी रेम्बोज है और सिल्वर शार्क्स भी है। तो सिल्वर शार्क्स अराउंड 3 inches के है, बोस्मानी रेम्बो बोल सकते हैं 2 inches के है, और इसमें एंजल्स है। ये कौन कौन से एंजल्स है इसमें? ये एक नया वैरायटी का एंजल है, इसे क्लाउन एंजल बोलते हैं। ओके। तो आप इस पे पैटर्न्स देखोगे तो सब ऐसे लेपर्ड टाइप पैटर्न है या स्ट्राइप्स है, स्ट्राइप्स भी नहीं बोल सकते, पैचेस है, लेपर्ड टाइप पैचेस है, तो अच्छा दिखता है। इसको एक मेटालिक पर्पलिश ब्लूइश एक टिंट है बॉडी पे, तो ये एक अच्छा वैरायटी है। फिर जेड ब्लैक एंजल्स है, या ये भी अराउंड 2.5 inches के साइज में, पूरा डार्क ग्रीन कलर है, ग्रीन शेड है उसमें, प्योर लाइन है। और बोस्मानी रेनबोज है, बोस्मानी रेनबोज है, आप देखोगे प्रॉपरली कलर लेना भी चालू हुआ है, अच्छा स्ट्रेन है। इतना छोटा साइज में बोस्मानी कलर जल्दी दिखाता नहीं, नहीं। और ये अराउंड 2 inches के रहेंगे, 2 inch का साइज है। तो इनका कैसा है प्राइस? बोस्मानी 350 का पेयर है और एंजल्स, एंजल 400 का पेयर है, जो क्लाउन एंजल है ये पैटर्न वाले। और जेड बैग्स आर 180 पेयर, 180 का पेयर है। ओके ओके। सिल्वर शार्क्स 200 के पेयर है। या और इसमें दो क्रिबेंसिस भी है, एक अल्बाइनो है ये देखिए व्हाइट वाला जो यहाँ पे है, और ये क्रिबेंसिस जो है अराउंड 3 inches का रहेगा, 4 inch का है ये, एडेड साइज है। और इसका कैसा है प्राइस? ये 250 का एक है। ओके ओके। और आप इसके फिन्स में भी देख सकते हो और टेल सेक्शन में थोड़ा सा ऐसा कलरेशन दिखेगा। यहाँ पे अभी सिंगल बचा हुआ है तो इतना कलर वो नहीं दिखा रहा है, प्लांटेड में जाएगा तो अच्छा वाइब्रेंट कलर लेता है। तो इस टैंक में सब विडोज है, ये भी 3 feet का टैंक है, 3 feet का है। और इसमें पिंक है, मरून है, व्हाइट है, येल्लो है, ग्रीन भी है विडोज, और कुछ स्मॉल साइज के एंजल्स है जो 1 inches के आप बोल सकते हैं। हाँ। ये कौन से एंजल्स है? ये ब्लू एंजल है। अच्छा ये देखिए इसमें और कौन से फिशेज है? सर्फी टेट्रा है राइट? इसमें सर्फी टेट्रा है, फिर रोजी टेट्रा है, देन कुछ व्हाइट टिप्स है। रोजी का आप फिनिश देखिए, प्रॉपरली मैच्योर्ड रोजी टेट्रा है, इसमें आपको एकदम स्ट्रॉन्ग फिनिश दिखाई देगा, इरेक्ट फिन्स। और विडोज का कैसा है प्राइस? ये एडल्ट साइज विडोज है, जंबो साइज, ये 180 का पेयर है। ओके। इसमें हमारे पास मीडियम साइज भी है यहाँ पे, दीज आर 120 अप है। फिर डजन में हम डिस्काउंट देते हैं, ये वाला हम डजन 600 का देते हैं, और एडल्ट साइज हम 1000 rupees का डजन देते हैं। ओके ओके। और ये जो स्मॉल साइज के एंजल्स है इनका? दैट इज 80 rupees अ पेयर। ओके 80 rupees अ पेयर है। ओके ओके। और सर्फी टेट्रा? सर्फी टेट्रा वो व्हील टेल वाला है, वो 100 का पेयर है। ओके। और ये रोजी टेट्रा एडल्ट साइज में पूरा हाई फिनेज में, दैट इज 120 अ पेयर। ओके ओके। और इसमें मना को पूरा एंजल दे राइट? मन का पूरा एंजल्स है, हाई फिन आप बोल सकते हो, ये भी इरेक्ट फिन्स पंच फेस है। हाँ। ये भी छोटा साइज है 1.5 inch का, जैसे साइज ग्रो होगा 2.5-3 inch तक जाएगा इसका रेड शोल्डर आना चालू होगा। या और इनका कैसा प्राइस है? मन का पूरा 300 का पेयर है। 300 का पेयर है। ओके। या एशियाटिक हाई फिन है, हाई फिन है। ये भी अच्छा सेट पीस है, ये 500 का एक है। ओके। और ये अराउंड रहेगा 2.5 inches का, 3 inch का साइज है, थिक बॉडी है, कंप्लीटली सेटल्ड पीस है। तो इस टैंक में गप्पी है, तो इसमें सब मिक्स स्टॉक है, मिक्स कोबरा गप्पीज है, कुछ ब्लैक है, फिर डम्बोयर प्लैटिनम्स है। हाँ। इसमें सब मेल फीमेल आपको मिल जाएंगे। तो दीज आर 450 अ डजन एंड 80 rupees अ पेयर। ओके 80 rupees अ पेयर। ओके। ये जेब्रा लोज है, इंडियन स्ट्रेन है, इसे स्ट्रायटा लोज भी बोलते हैं। ओके। ब्यूटीफुल वैरायटी है, आप क्लाउन लोज का इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव बोल सकते हो। या वैसे ही दिखता है, काम करता है।
ओके okay, और ये अराउंड 2 से 2.5 इंच का रहेगा। हाँ, 2.5 से 3 इंच का साइज है, थिक बॉडी है। हाँ, दिस विल कॉस्ट यू 150 अ पेयर। ओके 150 अ पेयर। ओके इसमें सब छोटे ले जंबो साइज आप बोल सकते हो जो अराउंड रहेंगे 3 इंच प्लस है, 3.5 इंच बोल सकते हैं, 3.5-4 इंच के शॉर्टेल्स है या मून टेल आप बोल, मून टेल में लॉन्ग लॉन्ग टेल है या या व्हील टेल टाइप। और ये सब आप बोल सकते हैं ब्रीडिंग स्टॉक बोल सकते हैं, ब्रूड स्टॉक है ये या जंबो साइज है सब, ये प्रेग्नेंट फीमेल्स है इसमें। अच्छा लोडेड फीमेल्स है। ओके ओके तो इनका कैसा प्राइस? दीज आर 300 अ पेयर। ओके 300 अ पेयर। ओके इस टैंक में फ्लावर ऑन है, ये काम्फा है? हाँ, ये मेटालिक काम्फा है। ओके ये देखिए, और ये अराउंड रहेगा 3 इंच का, 3-3.5 इंच का है। और इसका कैसा है प्राइस रेंज? ये अभी सेल के लिए डिसाइड नहीं किया है। अच्छा, जब अच्छा, रेडी अच्छा। होगा तो सेल करेंगे। ओके ओके अभी हेड पॉप नहीं हुआ है उसे। या और यहाँ पे भी एक काम्फा है, ये बहुत ही एक्टिव है, ये देखिए 4 इंच बॉडी है। ओके और पूरा मेटालिक और ऑरेंज बेस वाला है ये। या तो आप इसको ऑरेंज और रेड शेड उसमें देख सकते हो। हेड पॉप पीस है, सुपर एक्टिव। हाँ, सुपर एग्रेसिव है। या काम्फा होना चाहिए ऐसा। हाँ ये 4000 का पीस है, वाई टाइम है। ओके ओके और ऐसे अलग अलग काम्फाज और मिलेंगे, देखने मिलेंगे आपको हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। या या यहाँ पे एक अच्छा क्वालिटी में SRD भी है। ओके ये शॉर्ट बॉडी कॉपर ऑस्कर है, पूरा फायर रेड कलर में है, प्रॉपरली कलर्ड है। ये अराउंड 4 इंचेस के रहेंगे, 4.5 इंच थिक बॉडी है। या तो ये अभी अंडर क्वारंटाइन है। ओके 4-5 दिन में सेलिंग चालू होगा इनका। ओके ओके फिलहाल अभी यहाँ पे 2 पेयर है। राइट राइट ये देखिए कलरेशन अच्छा है इनका। इसका प्राइस है कुछ? इसका 800 अ पेयर शॉर्ट बॉडी में। ओके, ये ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ये आपका अंडर 8 इंचेस रहेगा। ओके ओके तो वो टैंक बड़ा करने का जरूरत नहीं है बाद में। या और यहाँ पे दूसरे ऑस्कर्स है, ये हाई क्वालिटी लेमन ऑस्कर्स है। ओके ये रेड आई वैरायटी है, तो रेड आई लेमन ऑस्कर आपको हमेशा नहीं दिखाई देगा। या अभी थिक बॉडी है, कम्प्लीटली सेटल स्टॉक है। हाँ दिस आर 600 पेयर, ये क्वालिटी बहुत रेयरली आता है। अच्छा साइज इनका भी 3-4 इंचेस, 3.5 इंचेस। हाँ 3.5 इंचेस है। तो ये एक और एक टैंक है जिसमें अल्बिनो फायर रेड ऑस्कर्स है, ये अराउंड 3 इंचेस के। या 3-3.5 इंचेस। या और इनका कैसा है प्राइस रेट? दिस आर 450 अ पेयर। 450 पेयर। ओके ओके तो ये ऑस्कर्स का फिश फूड भी पर्टिकुलर मिल जाएगा ना? या आपको कलर एनहांसिंग, कलर मेंटेन रखने के लिए भी फूड है। अच्छा अच्छा मिल जाएगा। ओके ओके और यहाँ पे रेड स्पॉटेड सेवरम है, सुपर रेड स्पॉटेड सेवरम्स है। या फिर कुछ मोजाइक ऑस्कर है पैटर्न में, पैटर्न और कुछ कॉपर ऑस्कर लॉन्ग बॉडी में है 3.5 इंचेस। या या सो ऑस्कर्स आर 450 अ पेयर। ओके एंड सेवरम्स आर 600 अ पेयर। पिग्मी कॉरीज, टाइनीस्ट वेराइटीज ऑफ कॉरिडोरा, एट्रोपिलस कैनारेंसिस सिक्लिड, इंडियन वेराइटी, वेरी रेयर वेराइटी इन सिक्लिड्स, एट्रोपिलस कैनारेंसिस इंडियन सिक्लिड, वन ऑफ द रेयरेस्ट, मोस्टली कैप्ट इन बायोटोप्स, गोल्डन बैक येल्लो श्रिम, ड्रीम ब्लू श्रिम्प, कार्डिनल एंड रमिनोस, व्हाइट क्लाउड माउंटेन मिनो एल्बिनो वर्जन,
लीफ फिश। तो फ्रेंड्स, ये एक्वास्केप है जो अराउंड 15 इंच बाय 15 इंच के स्क्वायर टैंक में बनाया हुआ है इन्होंने, और ये एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास है, राइट? या एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास है, ये जीरो सिलिकॉन फिनिश में टैंक बनाया है, या हमने खुद ने बनाया है। या तो आप इंपोर्टेड टैंक्स देखते हो जो पूरे प्रॉपर प्रोफेशनल फिनिश में आते हैं, हाँ। तो वैसे ही हम टैंक आपको बना के देंगे, या विद इन फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस जो इंपोर्टेड टैंक्स आते हैं। ओके, और ये अराउंड इसमें क्या क्या है, रॉक्स कौन से है ये? इसमें ये फॉगिंग माउंटेन रॉक्स यूज किए हुए हैं, ओके, ये इंपोर्टेड रिपूड यूज किया है, या फिर एपिफाइट प्लांट्स में बूसी फ्लैंड्रा लगा है, हाँ, वन ऑफ द रेयरेस्ट वैरायटी ऑफ एपिफाइट्स, बूसी फ्लैंड्रा का ये मिनी बूस वैरायटी है, ये वुड पे सब वही छोटे स्ट्रेन्स लगाए हुए, या या देन ये सामने हाइड्रोकोटाइल ट्रिपार्टिटा होंडा है, हाँ। फिर कुछ उसमें इरियोकॉलन है जो ये स्टार जैसे आपको प्लांट दिख रहे ना, हाँ। इंडियन वैरायटी है, इरियोकॉलन बोलते हैं उसे, ओके। फिर कुछ यहाँ पे अल्थरनांथेरा है, वो अभी ग्रो नहीं हुआ है, ओके, ओके। इनिशियल स्टेज, तो ये आपको मैं आपको उसमें कुछ रोटाला है, लुडविगिया हाई रेड है बीच में, लुडविगिया पालुस्ट्रस है, ये ग्रास जैसा आपको टॉल में दिख रहा है, साइप्रस हेल्फेरी, फिर ये न्यू मिलारिया है, ओके, मिड ग्राउंड प्लांट है, कुछ ट्राइडेंट फर्न है, और ये कौन सा फिल्टर है? ये रीसन का फिल्टर है, ओके ओके, स्ट्रॉन्ग फ्लो है, yeah. ये टैंक का क्लैरिटी आप देख रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फिल्टर, या और शायद ये 2-3 फीट के लिए सफिशिएंट है, ये 2 फीट से 2.5 फीट तक लगाते हैं, ओके ओके, ओवर पावर्ड फिल्टर इसमें लगा है, जरूरत से ज्यादा पावरफुल लगा है, हाँ, तो दैट इज व्हाई इट इज मेंटेनिंग सच क्लैरिटी, तो आप वाटर क्लैरिटी भी देख सकते हो कितना अच्छा है, और कितना टाइम गया इसको ये सेट होने को? ये अभी 1 month ओल्ड है, अच्छा, स्टिल इन प्रोसेस, इसका ट्रिमिंग हो रहा है, थोड़ा हम अल्टरेशन कर रहे हैं प्लांट्स में, हाँ, और 1 महीने में कम्प्लीटली तैयार होगा, ओके ओके, दिस सेटअप इज रेडी फॉर सेल, पुणे में जो भी इंटरेस्टेड है, हाँ, उनको हाँ। घर पे जाके इसे सेटअप करके देंगे, ओके ओके। तो फ्रेंड्स, ये टैंक का प्राइस के लिए आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो या तो विजिट कर सकते हो स्टोर में, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्वास्केप है ये, और ऐसे अलग अलग छोटे साइज में भी बना सकते हैं, जैसे कस्टमर का रिक्वायरमेंट है वो साइज में हम उन्हें कस्टम बिल्ड करके एक्वास्केप करके देते हैं, ओके ओके। और ये एक ऐसी सिंपल सा लावा रॉक का टैंक सेटअप है, इसमें हमारे ये थाईलैंड ग्लास कैटफिश है, ये देखिए, ये भी सब बड़े साइज में है, तो अभी हम आपको ड्राई सेक्शन दिखाएंगे इनका, ये कौन से वुड्स है? ये हनीकॉम्ब वुड है, या तो ये भी अभी अच्छा खासा स्टॉक है, स्मॉल पीसेस से लेके आपको बड़े मिल जाएंगे, लेटर हम आपको इसमें जंबो साइज भी दिखाएंगे, और ये देखिए ये अराउंड रहेगा कुछ 1 फीट के आसपास, और ये उससे बड़े सब 2 फीट के आसपास रहेंगे, तो ये कैसे है केजी में? ये 1450 पर केजी है, ऑफर प्राइस हम दे रहे हैं, यूजुअली 1800 से आता है, या अभी प्रमोट करने के लिए हम 1450 पर केजी से दे रहे हैं, ओके ओके। और ये पूरा इनका शोपीस का सेक्शन है यहाँ पे, ये देखिए, तो इसमें आपको सब शोपीसेस मिल जाएंगे जैसे चाहिए अलग अलग, और नीचे ये पूरा इनका रॉक्स का है, और ये लावा रॉक्स है, राइट, ब्लैक वाले, ये ब्लैक कोर्स लावा रॉक है, हाँ। ये आपने कभी देखा नहीं होगा, नहीं, ये फिनिशिंग इसका बहुत अच्छा, हाँ। है, इसमें अभी मेरे पास जंबो साइज, लार्ज साइज, मीडियम साइज, और मिल जाएगा हाथ में ये स्मॉल साइज, या सब स्टॉक आया है, ओके ओके। ये इम्पोर्टेड सैंड है जो ADA की लैपलेट आप देखते हो, दिस इज आइडेंटिकल सैंड बट विद इन द फ्रैक्शन ऑफ प्राइस, ये 150 पर केजी से आती है, बहुत सस्ती सैंड है, इनर्ट है,
पीएच चेंज नहीं होगा. अच्छा, सब ये डिस्कस टैंक प्लांटेड एक्वेरियम में यूज करते हैं. ओके ओके. और ये जो लावा का जो ऐसा पेबल रॉक टाइप आया, ये क्या रेंज में रहेगा? ये 300 पर केजी रेट है फॉर ऑल साइजेस. ओके ओके, 300 पर केजी. ओके, ब्लैक लावा रॉक का ये. या और भी बहुत से आपको अलग अलग टाइप्स के सैंड और एक्वेरियम सॉइल्स मिल जाएंगे यहाँ पे. और ये एक कैनिस्टर फिल्टर है, राइट? राइट, ये कैनिस्टर है साइज कंपनी के. ओके, ये इटली का ब्रांड है. या वेरी फेमस ब्रांड ग्लोबली. ओके, ये इनका स्पेसिको सीरीज है विच कम्स इन 3 मॉडल्स फॉर 100 लीटर, 200 लीटर एंड 300 लीटर. ओके ओके. तो ये आपको इसमें 3 ईयर वारंटी आता है जो हमारे शॉप में ही क्लेम होगा, आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा. ओके, एंड वेरी नाइस प्रोडक्ट. इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे जो प्रोफेशनल फिल्टर्स में भी कभी कभी मिलते नहीं है. इसमें सेल्फ प्राइमिंग सिस्टम है. okay. इसमें आप फ्लो कंट्रोल कर सकते हो. अच्छा, ये विथ मीडिया आता है. हाँ. और वेरी पावरफुल. ओके ओके. तो और भी दूसरे कैनिस्टर फिल्टर्स ऐसे आते हैं? इसमें हमारे पास रीसन के भी कैनिस्टर्स है जो बड़े टैंक्स के लिए है. ओके, ये 1000 सीरीज, दिस इज 1200 सीरीज. यहाँ पे मैंने दो रखे हुए और मेरे पास इसमें 1600 और 2800 जंबो सीरीज भी है. okay, जो 5 फीट से लेके 8 फीट के टैंक में लगाते हैं. ओके ओके, तो वो भी सब आपको मिलेंगे. ओके, ये अलग अलग सैंड्स है. ये बोनसाई की सॉइल है, फिर AF की एक्वाफोरेस्ट की बायो सैंड, बायो सैंड्स है. ये सबस्ट्रेट है जो ट्रॉपिका का आता है सबस्ट्रेट. फिर ये ग्रेक का यूवी फिल्टर है, कैनिस्टर फिल्टर. दिस इज यूवी इनबिल्ट फिल्टर. ओके, फिर यहाँ पे कुछ हीलिया के पावर फिल्टर्स है. या और यहाँ पे ये ऑटो फीडर है, ऑटो फीडर है सनसन का है, सोबो का है. ओके, डॉफिन के भी हमारे पास तो ऑटो फीडर है. फिर ये NY एक्वेरियम का एक ब्रांड आया हमारे पास. ओके, इसमें भी ऑटो फीडर है, वो भी अवेलेबल है. ओके ओके. ये सोबो के ACDC पंप्स है, ये देखिए, कम प्राइस में बहुत अच्छे क्वालिटी के पंप्स है. फिर ड्यूअल आउटलेट के एयर पंप है. ये जंबो साइज वेव मेकर है, सोबो का है. इसमें NY के भी आए, वो भी हम दिखाएंगे. अभी सोबो के हमारे पास पैनल लाइट्स भी आए हैं. अच्छा, तो दिस कम विद योर बिग साइज LEDs इन सेंटर. हाँ. और ये बाकी जितने भी ब्रांड्स है चाइनीज. हाँ. वाले मार्केट में ये उनसे डबल वॉटेज वाले है. ओके ओके. बहुत ब्राइट लाइट है, प्लांटेड के लिए इकोनॉमिकल रेंज में अच्छा क्वालिटी है. अच्छा अच्छा. और ये एक्वास्केप के लिए ऐसे टैंक्स भी मिलेंगे? इसमें भी 5 से 8 साइज है हमारे पास अवेलेबल. ओके ओके. और ये बीटास के लिए भी ऐसे क्यूब वाले टैंक मिलेंगे? एयर सीरीज टैंक जो आप बोल सकते हो दोआ के जैसे इनका लुक है पूरा. नीचे एक हाइट है 1 इंच का. तो ये क्या क्या साइज रहेगा? ये 6 इंच क्यूब है. ओके, 6 इंच बाय 6 इंच. या ओके. तो ये मैं आपको टैंक आपको दिखाऊंगा जो बाहर भी है. और कुछ अलग अलग आपको टैंक्स भी देखने मिलेंगे और ऐसे आर्टिस्टिक ड्रिफ्टवुड्स भी देखने मिलेंगे यहाँ पे जो आप अपने एक्वास्केप टैंक सेटअप्स के लिए यूज कर सकते हो. और ये कौन से टाइप्स के ड्रिफ्टवुड्स है? ये रूटवुड्स है. आप अच्छा रूटवुड है आप देखते हो. या और ये अराउंड 1.5 फीट का रहेगा? राइट, 1.5 फीट का है. हाँ. इसमें छोटे से जंबो साइज सब हमारे पास अवेलेबल है. यहाँ पे तो सिर्फ एक सैंपल रखे हुए है. हाँ, हाँ. बहुत बड़ा स्टॉक इसका अवेलेबल है. ओके, तो ये पूरा फिश फूड का आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे. तो जिसमें मेडिसिन भी है, बबल्स एंड ट्रबल्स के, वहाँ के फिश फूड्स है, JBL के है और AHM के भी है. AHM है, टेरा है. या देन CKM के कुछ प्रोडक्ट्स है. या फिर ये NY बोल के हमारे पास ब्रांड आया है अभी. हाँ. इसमें आपको सब वाटर रिटर्न पंप्स, ACDC एयर पंप्स, नॉजल पंप्स, ये मैग्नेटिक उसके वेव मेकर है, उसमें डबल और सिंगल दोनों है. ओके, फिर ये वैक्यूम क्लीनर है, वो DIY वाला, दैट इज मल्टीपर्पज. यू कैन यूज इट टू चेंज वाटर, फिल वाटर, वैक्यूम योर टैंक बॉटम, क्लीन योर ग्लास, ऑल इन वन है. ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है. इनमें आपको 6 मंथ वारंटी मिलेगा. अच्छा, 6 मंथ्स का. हाँ, और मे बी आगे जाके इसका हम 1 ईयर वारंटी भी दे सकते हैं. वी आर टेस्टिंग इट आउट. ओके ओके, वेरी नाइस प्रोडक्ट्स, गिव इट अ ट्राई. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी पूरा फिश फूड का इनका सेक्शन है जिसमें आप टॉप पे देख सकते हो हिकारी के सब प्रोडक्ट्स है, रेमोरा प्लस है. तो ये वाकई एक ब्रांड है, वाकई ये प्रोडक्ट रेमोरा प्लस. ओके, और यहाँ पे ब्लैक वर्म पैलेट्स भी देखने मिलेंगे आपको. फिर फ्लावरॉन्स के लिए भी है, ओकीको. फ्लावरॉन का ओकीको प्लैटिनम है, 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट. फिर ये फार्म हाउस थाईलैंड है, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फ्लावरॉन फूड ग्लोबली. ओके, फिर कुछ टेरा के कलर बिट्स है, डिस्कस का फूड है, बेटा का बायो गोल्ड, वाइब्रा बाइट्स,
ट्रॉपिका का 3-in-1 डिफ्यूजर है, या फिर ये सीकेम के फ्लरिश टैब्स है, रूट टैब्स जो है, हाँ हाँ, फिर ये चिचू तो उसका आपका पाइप क्लीनिंग टूल है जो कैनिस्टर फिल्टर में यूज होता है, या ये CO2 ड्रॉप चेक करे आपके पानी का CO2 लेवल चेक करने के लिए, हाँ, ये बाइपार है एक्वेटिक रेमेडीज का, ओके, दिस इज योर रेजिन एब्जॉर्बेंट, ओके, आपका जो सीकेम का प्यूरेजन आता है उसका इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव है, वेरी नाइस फिल्टर मीडिया, या फिर ये कुछ हीटर्स आए हमारे पास, प्रोटेक्टिव हीटर्स, yeah. ये पूरे ये गार्ड के साथ आते हैं, इसमें 100 वैट और 50 वैट के अवेलेबल है, ओके, हीलिया के एयर स्ट्रिप्स है, फिर ये डिस्क है 3 साइज में अवेलेबल, या तो अच्छा खासा, और बड़े साइज में भी आपको ऑप्टिमम और रेमोरा प्लस के ये पैकेट्स मिल जाएंगे फिश फूड्स। यहाँ पे कुछ रॉक्स के भी अलग अलग वेराइटीज है, ये देखिए ये मून रिंग रॉक है, okay. ये थोड़ा रेडिश ऑरेंज दिखता है, अभी वॉश करने पे इसका रियल कलर दिखेगा, okay. ये रेडवुड लाइन रॉक है, okay. सब इंपोर्टेड रॉक्स है, ये एक नया वैरायटी आया है, मार्बल टाइप में है, yeah, ये इसकी लेयर्स है, बहुत अच्छा टेक्सचर है इसके, इसमें yeah. दो कलर आए मेरे पास, ब्लू और ये मरून कलर में है, okay, okay. दीज आर आइडियल फॉर सिक्लिड स्ट्रेंथ, बहुत अच्छा वैरायटी है। फिर यहाँ पे ये सीरियू रॉक्स है, या जो एक्वास्केप में यूज होता है, पॉपुलरली यूज्ड इन एक्वास्केपिंग टैंक्स, बहुत अच्छे पीसेस है इसमें, अलग-अलग इसमें टेक्सचर्स है, छोटे से लेके जंबो साइज अवेलेबल है, ओके, फिर यहाँ पे ये एलिफेंट स्किन रॉक है, या ये भी एक्वास्केपिंग में अभी पॉपुलर है बहुत, या ये है, तो ये एक नया वेराइटी का हमारे पास रॉक आया है, दीज आर येल्लो फैबिलेट रॉक्स, ओके, तो ये मरीन टैंक्स में और सिक्लिड टैंक के लिए बहुत आइडियल रॉक है, ओके ओके, दे आर लिटिल ऑन अ हायर साइड, नया वैरायटी है, हाँ, पर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये पानी का पीएच वगैरह हाई करने के लिए, अच्छा, कोरल्स तो अभी बैन है, तो दीज रॉक्स आर आइडियल फॉर मेंटेनिंग योर पीएच, ओके ओके, बहुत अच्छा लुक है, ओके, इम्पोर्टेड रॉक्स है। फिर यहाँ पे आपके रेगुलर जो होल रॉक्स आते हैं, हाँ, सो वी हैव दोस होल रॉक्स ओवर हियर, ओके। फिर यहाँ पे ये लावा रॉक्स है, लावा रॉक्स में टाइनी से लेके जंबो साइज सब अवेलेबल मिलेगा, ओके। फिर हमारे पास ये होल रॉक्स में ऐसे फाइन होल्स वाले भी है और बड़े होल्स वाले वैरायटी भी अवेलेबल, ओके, ओके। ये लोकल वैरायटी है, या और अब इससे पहले जो दिखाए थे वो इम्पोर्टेड है। फिर यहाँ पे ये एक नया वैरायटी आया है, दीज आर कॉल्ड फॉगिंग माउंटेन रॉक्स, ओके, ये डार्क ब्लैक कलर में होते हैं, अच्छा, और बहुत एक माउंटेनी माउंटेन टाइप इसमें लुक होता है, ओके ओके, ब्यूटीफुल वैरायटी। ये मेपल लीफ रॉक है, या लावा रॉक जैसे हल्के होते हैं, हाँ, और बहुत ऐसा डेंस टेक्सचर पैटर्न होता है, या फिर यहाँ पे ये वुड फॉसिल रॉक है, ओके, ये भी माउंटेन जैसे दिखते है, हाँ, अलग टेक्सचर है इनके ऊपर, इसमें छोटे से लेके बड़ा सब साइज अवेलेबल है, ओके। ये डेजर्ट गोबी रॉक है, हाँ, ये वाला एक नाइन लाइन सा पैटर्न है इसमें, इसमें ये मल्टी लेयर रॉक्स भी है, ये देखिए मल्टी लेयर, ये मल्टी लेयर रॉक्स में अवेलेबल, या और भी बहुत सारे रॉक्स है, तो हम देखेंगे अभी यहां पे डिस्प्ले पे जगह नहीं है, तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको गोडाउन सेक्शन भी इनका दिखाता हूँ जिसमें रॉक्स और कुछ ड्रिफ्ट फ्रूट्स आपको देखने मिलेंगे, तो चलिए वहाँ पे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरा इनका गोडाउन में के ड्रिफ्ट फ्रूट्स है, बड़े साइज के है ये, जिसमें आपको बड़े साइज के स्टम्प फूड मिलेंगे, ये अराउंड रहेगा 2.5 फीट का, राइट, ये 2 फीट का है, हाँ 2 फीट का है, ये स्टम्प फूड है। यहाँ पे एक नया वेराइटी आया है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया आया है, हाँ, दीज आर ट्री ट्रंक वुड, या आपने कुछ ऑलिवर नॉट के एक्वास्केप देखा होगा, एक बड़ा 12 फीट या 10 फीट का कुछ है, उसमें ऐसा एक वुड है सेंटर पीस, तो दीज आर आइडेंटिकल ट्रंक वुड्स, इसमें छोटे से लेके जंबो साइज सब अवेलेबल है, तो यहाँ पे एक आप जंबो साइज ट्रंक वुड का देख सकते हो, ये देखिए दिस इज 3 फीट का ये वुड है, 3 फीट का है, यहाँ पे बड़ा स्टम्प वुड है, ये 3.5 फीट का है, ये देखिए इसका हाइट आपको मैं दिखा दूँ, पूरा रूट स्ट्रक्चर है, हाँ, फिर ये स्टंप आपका ट्रंक वुड में ये छोटा साइज है, ये 1.5 से 1.5 फीट का है, या यूनिक शेप है, या इसमें ऐसे छोटे छोटे ट्रंक वुड भी आए हुए हैं, ये देखिए दीज आर अराउंड स्लिम में है, स्लिम में है, या फिर ऐसे स्टंप वुड है यूनिक पीसेस में, या ये छोटे साइज में भी स्टंप्स आए हैं, सो दिस इज समवेयर अराउंड 1.5 फीट, ये देखिए, फिर किसी को बड़े बड़े साइज में ये आपके हनीकॉम वुड है जंबो साइज, हाँ, ये देन से पूरा वाइड वुड है, ये हाइटेड में से 2-2 फीट के है, 2-2 फीट के है, या ये है ये वुड है हाइटेड में,
कंप्लीट डेंस टेक्सचर है इसमें। ये भी कुछ 2.5 फीट करेगा हाइट में, तो इसका भी बहुत सा स्टॉक है अंदर गोडाउन में। ये सिर्फ सैंपल हम लोग आपको दिखा रहे हैं, इसका स्टॉक बहुत अवेलेबल है। और ये बड़े साइज के लावा रॉक्स है राइट? हाँ, ये बड़ा साइज का है। ये गोल्ड फिश सेटअप में, श्रिम सेटअप में लोग यूज करते हैं, तो दिस इज जंबो साइज। या ये एक एक 5-6 किलो का रहेगा। हाँ, ये एक एक फिट के रॉक्स है, 8 इंच से 1 फिट के रॉक है सब। या इसमें भी बहुत सारा सिलेक्शन अवेलेबल है, ये सिर्फ हम आपको सैंपल दिखा रहे हैं। इसमें मीडियम और लार्ज साइज भी अवेलेबल है। ये देखिए पूरा इनका स्टॉक है, आपको दिखा था ये मीडियम साइज में अवेलेबल है। इसमें सब छोटा बड़ा, हाँ, इसको आप ऐसे स्टैक करके भी रख सकते हो। या तो बहुत सारे इसमें, हाँ, छोटा बड़ा मीडियम जंबो सब साइज इसमें अवेलेबल है। या तो फ्रेंड्स ये पूरा इनका ड्रिफ्ट फूड का और भी स्टॉक है गोडाउन में, तो आपको बहुत से ड्रिफ्ट फूड्स के वैरायटी मिलेंगे स्मॉल साइज से लेके बड़े साइज तक, तो आप जरूर विजिट करके देखिए फिश एडिक्स में। तो ये नए टाइप का कुछ है राइट? फिल्टर आया है, दिस इज योर कम्प्लीटली फॉर बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन। ओके, ये मैकेनिकल फिल्ट्रेशन नहीं करेगा, लाइक कचरा नहीं पकड़ेगा, बट ये आपका अमोनिया लेवल्स बहुत कम लगेगा। ओके, दिस इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर लार्जर साइज टैंक जिसमें अमोनिया इश्यूज होते हैं, और किसी को कैनिस्टर नहीं यूज करना है, टॉप फिल्टर यूज कर रहा है या पावर फिल्टर यूज कर रहा है, सो एज एन एडिशनल बायोलॉजिकल फिल्टर ये यूज कर सकते हो। इसमें एक फैन लाइक सिस्टम है, आप देखोगे क्रिएट्स एंड टोर्नेडो इनसाइड, वो सक पानी जल्दी सक करता है। तो यहाँ पे नीचे ये रेजिन मटेरियल के बॉल्स है, फिर ये जो आप कोन देखते हो इसके अंदर कुछ सिरेमिक बॉल्स उन्होंने दिए हुए हैं। ओके, ये बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन करेगा, दिस विल डू केमिकल फिल्ट्रेशन। ओके ओके, अच्छा वैरायटी है, कुछ यूनिक शेप में और ट्रांसपेरेंट है, तो एक अलग दिखेगा ये पूरा, शायद मूव होएगा अंदर। हाँ, अंदर मूव होता है वो। या तो ये भी 2 फीट तक के टैंक के लिए सफिशिएंट है, दिस कैन गो वेल इन अ 4-5 फीट साइज टैंक। ओके, 4-5 फीट। ओके ओके, तो हम अभी सौरभ जी से मैसेज लेते हैं हमारे हॉबीस्ट के लिए, तो क्या मैसेज देना चाहोगे? सो वी आर डीलिंग इनटू ऑल काइंड्स ऑफ एक्सोटिक फिश मेनली। ओके, आपको हर वैरायटी के, टाइनी से बड़े वैरायटी के फिश हमारे पास मिलेंगे। Which is not available, we'll try our best to serve it to you, to arrange it for you. Yeah. Then आपका कोई भी requirement है for an aquascaping tank या hardscape बनाना है, cichlid setup बनाना है, आपको custom tank बनवाना है आपके यहाँ पे, तो वो हम आपको पुणे में करके देंगे। अच्छा, और पूछना चाहूँगा कि ये पुणे में अभी आपका fish delivery है? ऑल ओवर पुणे हम फिश डिलीवरी कर रहे हैं, और एक्सेसरीज फिर आप पोर्टर से, डंजो से हम बेचते हैं। ओके, एंड एनी प्रोडक्ट, ऑल एक्वेरियम एक्सेसरीज वी आर डिलीवरिंग पैन इंडिया, जो आपको कुरियर से आपके यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा अच्छा, तो ये एक अच्छा चीज है, आपको जो भी एक्वेरियम एक्सेसरीज है या फिश फूड बोल सकते हो, तो सब आपको ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है इसका। तो थैंक्स वंस अगेन कॉलिंग मी हियर, और मुझे अच्छा लगा। आप हमेशा आते हो, यू आर गोइंग आवर स्टोर रेगुलरली, वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। और अच्छा लगा मुझे, सब अलग अलग फिश स्टॉक्स देखने मिले, मुझे कुछ प्लांट्स के भी वैरायटीज देखने मिले, और उम्मीद है हम लोग आगे भी कुछ अच्छा वीडियो शूट करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।